इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है 14 अक्टूबर का, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। इसी मैच पर चर्चा के लिए हमारे साथ है पिच क्यूरेटर समंदर सिंह। आइए पिच की तैयारियों को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। काफी अच्छा पिच हमारा, हमने काफी काम किया था अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले, आउटफील्ड और पिच दोनों पे, और अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। बहुत केयरफुल है हर चीज के लिए पिच का, गेम की फॉर्मेट के हिसाब से, कि T20 है, वन डे है, 50 ओवर्स गेम या मल्टी डेज गेम है, 3-4 दिन 5 दिन के गेम। हमने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं भगवान की दुआ से। मुझे सचिन जी ने पालम एयरपोर्ट ग्राउंड पे अच्छा बोला था, मुझे मजाक में कहा था हालांकि उन्होंने, कि मैं जहाँ भी जाऊँ पिच आप बनाया करो। तो बाकी और भी सारे प्लेयरों ने, और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये था कि हमारा पहला मैच जो होलकर स्टेडियम में हुआ था यहीं पर 2006 में, इंडिया और इंग्लैंड का, जिसमें लो स्कोरिंग मैच चल रहा था, पीक समर में था, 15 अप्रैल को मैच था, वो सारे पूरे इंडिया में लो स्कोरिंग मैच हो रहे थे। हमारे यहाँ इंग्लैंड ने 288 किए थे और इंडिया ने चेस भी किए थे वो। तो उसमें जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो डेविड गावर ने आखिरी में बोला था कि मैं ये फंक्शन कंक्लूड करूँ इससे पहले, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मिस्टर समंदर सिंह चौहान, हु प्रिपेयर्ड सच ए फैंटास्टिक पिच इन दिस पीक समर। टेस्ट क्रिकेट के लिए आइडियल पिच है, जब हम 4 दिन के मैचों में रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, हमारी तारीफ हो रही है, हम इनाम जीत रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट भी अगर होगा तो हमें जरूर हमारे एसोसिएशन को शाबाशी मिलेगी, हमारे पूरे ग्राउंड स्टाफ को शाबाशी मिलेगी। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि मैं एक टेस्ट मैच के लिए यहाँ अपने जीते जी एक टेस्ट मैच के लिए पिच बना के जाऊँ, और इसके लिए हमारे एसोसिएशन की तरफ से लिखा भी गया है ऊपर के लेवल पे, BCCI या ICC जहाँ पर भी होगा, तो अगर उनकी इंस्पेक्शन होती है और टेस्ट मैच मिलता है तो इंदौर और होलकर जो का जो बड़ा इतिहास रहा क्रिकेट का, सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। काफ़ी सेंटर ऐसे हैं जहाँ साल में 2-2 बार इंटरनेशनल मैचेस या T20 या कई जगह IPL के मैचेस 4-4, 6-6 होते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूरे प्रदेश में से कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है IPL की, नहीं तो दर्शकों को और मजा आता। प्रदेश की खुशकिस्मती है कि 2 सेंटर है, तो बारी बारी मैच होते हैं, ग्वालियर होता है, इंदौर में होता है, तो इसलिए एक सेंटर का मैच 4 साल बाद नंबर आता है। बारिश के लिए हमने काफ़ी तैयारी की है, जैसे प्री मानसून सीजन में हमने जो स्टार्टिंग किया था इसमें कोरिंग की थी हमने, कोरिंग करने के बाद सेंट से उसकी जो हमने वो की है टॉप ड्रेसिंग, और उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में कवर है और अभी कवर और भी हमने बुलाए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास इतने कवर हो जाए कि हम लोग अगर बारिश आती है तो पूरा ग्राउंड हम कवर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा खेल हो, नुकसान नहीं हो समय का उसमें। मैच के पहले 1-2 दिन या ड्यूरिंग मैच भी थोड़ी बहुत देर के लिए बारिश आती तो हम खेल में ज़्यादा बाधा नहीं आने देंगे, हम तैयार हैं। हमारे पास 2 सुपर सफर तो इसी ग्राउंड पर रखे, एक एमराल्ड हाइट्स पे भी है, तो 3 सुपर सफर भी हम ले लेंगे, जो काफ़ी अच्छे से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं सारी चीज़ ध्यान में रख के, और इस बार भी हम लोग अच्छा करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये थे पिच क्यूरेटर समंदर सिंह, जिन्होंने हमें मैच की और पिच की तैयारियों के बारे में बताया। कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ सुधीर शर्मा।